असेंबलियां खत्म होने पर इमरान खान की गिरफ्तारी का इम्कान। सीनियर सहाफी सलीम बुखारी ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। हाल ही में एक निजी टीवी के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सलीम बुखारी ने इमरान खान से मुतालिक अहम इंकशाफात किए। सलीम बुखारी का कहना है कि मासी में जब साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सिस्टम उनकी मर्जी के मुताबिक चल रहा था, तब खान साहब की नज़र में सब कुछ ठीक था। सीनियर सहाफी ने कहा कि खान साहब को अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए। सीनियर सहाफी और तजियाकार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को तैनात कराने में बतौर ऑपोजिशन लीडर इमरान खान ने 50% किरदार अदा किया। सलीम बुखारी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ ऐसे फैसले भी किए गए जो कि इमरान खान के मुताबिक नहीं थे, जिसकी वजह से इमरान खान ने अब इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया हुआ है। सीनियर सहाफी ने इंकशाफ किया कि अगर 2023 के इंतखाबात में नतीजा तहरीक इंसाफ के हक में न आया, तब इमरान खान इस बात का दावा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन हमारी पार्टी के खिलाफ है। सलीम बुखारी ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ मुतादिद केसेस भी चल रहे हैं जो कि काफी संगीन किस्म के हैं, और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब भी इमरान खान को खबरदार कर चुके हैं कि अगर हम असेंबलियां तहलील कर देते हैं और हुकूमत खत्म हो जाती है तो इसके बाद आपकी सिक्योरिटी के खदशात बढ़ जाएंगे। सलीम बुखारी का मजीद कहना था कि अगर असेंबलियां टूट गईं तब इमरान खान को सिक्योरिटी भी खत्म हो जाएगी और इमरान खान की गिरफ्तारी के इम्कानात बढ़ जाएंगे।